के वन पहुंचते हैं। शान समय सानंदर पुकायो के गे गवन ने थोड़ा निकट किए जन दरु दे जे सने। सुबह से शाम हो गई, सारा दिन लग रहे तैयारियों में, लेकिन यह बात अभी किसी रानी को ज्ञात नहीं है कि हम प्रातः काल बेटा राम को राजा बना रहे हैं। यह समाचार किसे सुनाया जाए, कौशल्या को या सुमित्रा को या कैकेयी को? ध्यान आया, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा राम रो रहा था, उसे गोद में उसकी माँ कौशल्या ने लिया, राम शांत ना हुआ। सुमित्रा ने बेटा राम को गोद में लिया, वो शांत ना हुआ। हमने स्वयं बेटा राम को अपनी गोद में लिया, लेकिन शांत ना हुआ, रोता ही रहा। और जिस समय उसकी माँ कैकेयी ने बेटा राम को अपनी गोद पे लिया, वो हंस पड़ा। तब हमें आभास हो गया कि राम वाकई में माँ कैकेयी को बहुत चाहता है और कैकेयी राम को बहुत चाहती है। कैकेयी कंचन की थाल लेकर हमेशा दरवाजे पर मिलती थी, लेकिन आज राजमहलों के पट बंद हैं, खबर नहीं इस समय कहां पर है। कोई दासी भी नहीं, दासी महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज प्रसन्न रहो, क्या तुम बता सकती हो रणे कैकेयी इस समय कहां पर है? महारानी इस समय कोप भवन में है। क्या कह रही हो? कोप भवन सुन सके जब राबो भय बस आगे हो पर न पाओ। ठीक है, मैंने जो भी जानना चाहा, रणे कैकेयी इस समय कहां पर है, दासी के द्वारा यही उत्तर मिला। रानी राजमहलों का परित्याग करके कोपन में, जो ये शब्द मेरे कानों पर पड़ा, कोपमन भय लग रहा है, हृदय में आगे को पैर नहीं बढ़ते, तभी तो कहना पड़ रहा है चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते, दशरथ तो चलता है पर दशरथ के पैर नहीं चलते। लेकिन यही सोचकर भय मानकर भयभीत होकर अगर हम पीछे मुड़ जाएं, तो फिर जिस बात को लेकर कैकेयी आज राजमहलों का परित्याग करके कोपन में गई है, यह बात कैसे एहसास होगी? हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कारण क्या है, किस बात से रानी राजमहलों को छोड़कर कोपन में। लेकिन जो ही हमने अपना ये पैर बढ़ाया, अकस्मात कोई आवाज दे रहा है, ठहरो ठहरो राजन ठहर जाओ। है? कौन आवाज दे रहा है? कहां जा रहा है? इसी पर प्रभावित हुए हर्षित यादव जी, इनकी तरफ से दस मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में सादर समर्पित है, धन्यवाद। आवाज मेरे कान कोरों पर पहुंचाने वाला ये कौन गीत गा रहा है? कहां जा रहा है अरे जाने वाले, अंधेरा दिलों में दिया तू जला ले। कहां जा रहा कहां जा रहा है अरे जाने वाले, अंधेरा
सभय नरेश प्रिया पै गया वो देखी दशा दुखी दारुण भय वस्त्रों को हमेशा अपने तन प्रदान किया करती थी, आज उन्हीं वस्त्रों को भूमि पर फेंक दिया। हमेशा शीश पर रहने वाला ये मोतियों से जड़ित आज भूमि पर पड़ा हुआ है, वीरान की तरह बिखरा हुआ ये गले पर शोभामान रहने वाला मोतियों से हार। लेकिन हे विधाता, क्या है आज होन हार, जानना चाहिए प्राण प्रिया कही है तो रिसानी महारानी कही है तो रिसानी गजगामनी प्रिय गजगामनी कोप कर कारण मोह सुनाओ। हे प्रिय रूठने का कारण मोह सुनाओ, क्या हो गया तुम्हें कोकल भेनी कोयल की तरह बोलने वाली। अरे कोयल की तरह बोलने वाली पिक बहनी गजगामनी मतवाली हाथनी की तरह चाल चलने वाली आज तुम्हें क्या हो गया प्रिय, ये बदगुमानी किसने की किसका जमाना फिर गया, कौन से कमबख्त का खेमा गधा का घिर गया। अरे तू जाहिर निशा उस मुलजम को दे, मैं सजाए उसको मौत दूं बेतत फांसी पर चढ़ाकर मुल्के अदम को भेज दूं। प्रिय कारण बता दो किस बात से रूठी हो, अगर मेरे द्वारा तेरे साथ कोई छल या कपट किया जा रहा हो तो भामनी राम सपत सतमोही मैं राम की सुगंध खाके कहता हूँ अगर मैंने तेरे साथ कोई छल या कपट किया हो। लेकिन प्रिय कारण बता दो रोकने का महारानी, मैं जानना चाहता हूँ। अरे कारण बताओ महारानी, ये कारण बताओ महारानी कै बैठी रिसानी, कारण बताओ महारानी कै बैठी रिसानी। मोरे स्वभाव परोरु जानत मोरे स्वभाव परोरु तमुख तो आनन चंदी चकोर छोड़ो जी छोड़ो नादानी कहे बैठी निशानी कारण ना। अरे अनहित करने वाला तेरा कौन है, किसके तो मस्तक हो गए हैं, यमराज को प्यारा कौन हो गया है। यहाँ तक कि अगर तेरे साथ अनहित करने वाला देवताओं का राजा इंद्र भी हो तो सको तोर अरे अवरो मारी काहे की बपरो नर नारी। ये नर नारी किस गिनती में है, मैं उसका भी पद कर सकता हूँ जो देवताओं में आला है, उसे भी मार सकता हूँ अगर उसने तेरे साथ कोई अनहित किया हो। उत्तर नहीं प्रिय, क्या कारण है। अरे हे महारानी, मैं जानना चाहता हूं
हे प्राण प्रिय है क्या बोलो ढंग पे ढंग क्यों है बेभक्त फूल सी ये बेभक्त फूल सी ये मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है श्रीमान करिया भैया बसवारी वाले इनकी तरफ से इनका पुष्पमुद्रिकाएं महारानी केकई के लिए स्पेशल प्रदान की जा रही है बहुत बहुत धन्यवाद। ये लटकी मोती ये तुम्हारी काली काली लटे जो हमेशा मोतियों से भरी रहती थी ये लटकी मोती क्यों बिखरी है ये मन मार मार क्यों मचला है ये पड़ गई माग क्यों